ओके मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में भी प्रीव्यू देखा है, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इससे भी खतरनाक स्ट्रेस बनाने का जो हिम्मत मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आज प्रेस कर लेना दोस्तों। दोस्तों, आप जो स्टेट देख रहे हैं दोस्तों, आपको इस तरह का स्टेट बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेट बनाने के लिए आप दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का जो जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम है लाइट मोशन। लाइट मोशन आपके प्ले स्टोर में मिल जाता है। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर पिन करके रखा है, वहाँ सब जाके बहुत ही आसान से डाउनलोड कर सकते। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी कमाल का न्यू न्यूज़ से फिर लगा कर दोस्तों मैं बनाया हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिल जाएगा दोस्तों, सॉन्ग बिट मार प्रोजेक्ट एंड सैक इफेक्ट प्रोजेक्ट, उसका आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। अलाइट मोशन इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना होगा। अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद कुछ चित्र इंटरफेस हो जाता है दोस्तों। तो सिंपल से आपको प्लस के बगल में आपको जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखा दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सॉन्ग बिट मार एंड सैक इफेक्ट दी जाएगा दोस्तों। सिंपल से आपको सॉन्ग बिट मार पे पहनाया जाएगा दोस्तों। सॉन्ग बिट मार पहनने के बाद दोस्तों आपको जो सारे ब्रिक्स वाले फोटो अटैच करके दोस्तों सैक इफेक्ट यूज करना हो जाता है दोस्तों। तो सैक इफेक्ट आपको कैसे यूज करना है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बिना स्किप करके देखना होगा दोस्तों, तभी जो आप सैक इफेक्ट लगा पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ग्रुप टू, तो इसको मैं इनेबल करके दिखा दोस्तों कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें इसके कैसे यूज करना है दोस्तों। तो आप वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहेगा दोस्तों, तभी जो इसमें यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, सिंपल से आपको इसको डिसेबल कुछ इधर से कर लेना होगा। करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको स्टार्टिंग में जाना, के बाद दोस्तों आपको फोटो कैड करना दोस्तों। कैसे फोटो कैड करना है दोस्तों, सिंपल से आपको प्लस पर जाना दोस्तों, मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद आप जहाँ फोटो रखा रहेंगे उसका फोल्डर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर दोस्तों। फोल्डर को लेना, लेने के बाद आपको अपना जाए अपने फ्रेंड का जो फोटो ले लेना, तो मान लीजिए मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ दोस्तों। लेने के बाद आपको थ्रेड पर जाना है एंड फिर कम से क्लिक करके दोस्तों फुल स्क्रीन, इसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों ये सबको तीर पे क्लिक करके दोस्तों साइज को एडजस्ट करके दोस्तों सिंपल से आपको फिर से प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है दोस्तों, दूसरा फोटो लेके थ्री ड्रॉप जाना है। फिर कम से पे क्लिक करके दोस्तों तीर पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना होगा। कट करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको सारे रेड ब्रिक साइज फोटो अटैच कर लेना होगा दोस्तों। तो मैं सारे रेड ब्रिक साइज फोटो अटैच कर लेता हूँ दोस्तों, आप भी जो सारे रेड ब्रिक साइज फोटो कैड कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं सारे रेड ब्रिक साइज फोटो का अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद दोस्तों इसमें कौन सा कहाँ पे सैक इफेक्ट को यूज करना है दोस्तों, तो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों, तभी जो इसमें आप सैक इफेक्ट वगैरह यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पहले तो बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद अपने सैक इफेक्ट पे आ जाना होगा दोस्तों। सैक इफेक्ट पे आने के बाद दोस्तों ऐसे आपको पलर फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों, ना आपको चलना होगा इफेक्ट पे एंड थ्री डॉट पे जाकर दोस्तों उसको कॉपी फेट करके बाइक कर लेना होगा ना। अपने सबमिट मार पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सबमिट मार पे आने के बाद दोस्तों ऐसे आपको स्क्रॉल करके कुछ उधर नीचे कर लेना होगा। तो मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको जो पलर फोटो दिख रहा दोस्तों इस पर क्लिक कर देना होगा। इफेक्ट पर जाकर इसको पेस्ट कुछ इधर से कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको बाइक कर लेना होगा दोस्तों। बाइक करने के बाद यहाँ से आपको सैक इफेक्ट पे अपने फिर से आ जाना दोस्तों। एंड दोस्तों, आपको यहाँ से आपको दूसरा फोटो पे क्लिक कर देना होगा। दूसरे फोटो पे क्लिक करने के बाद फिर जाके इसको कॉपी फिट करके सिंपल से आपको बैक कर लेना होगा एंड अपने सॉन्ग बिट मार पे आपको फिर से आ जाना होगा दोस्तों। सॉन्ग बिट मार पे आने के बाद आपको तीर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक सेकंड 11 पे आ जाना। आने के बाद दोस्तों इसमें आपको फोटो पे क्लिक करना है, फिर जाके इसको पेस्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करके स्क्रॉल करके नीचे आके इलेक्ट्रिक को बंद कर लेना होगा दोस्तों। ऐसे आपको इलेक्ट्रिक को एक फोटो को जो बंद करके दोस्तों एंड दूसरे फोटो को रहने देना होगा दोस्तों। ऐसे आपको जस्ट लास्ट तक जो मैं बताया दोस्तों कहाँ तक आपको यूज करना है दोस्तों, तो आपको 7 सेकंड 17 तक जो इस तरह का बुक कर लेना होगा दोस्तों। तो मैं 7 सेकंड 17 पे जो आ जाता हूँ, कुछ तरह से आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है एंड आपको फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करके दोस्तों, पेस्ट करने के बाद आपको बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद अपने फिर से सैक इफेक्ट पे आपको आ जाना होगा। सैक इफेक्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको तीसरे वाले फोटो पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। फिर आके इसको कॉपी फिट करके दोस्तों यहाँ से आपको बैक कर लेना होगा एंड अपने सबमिट मार पे आपको फिर से आ जाना होगा। सबमिट मार पे आने के बाद दोस्तों आपको आ जाना दोस्तों 8 सेकंड पे। तो मैं 8 सेकंड पे स्क्रॉल करके कुछ आ जाता हूँ। आने के बाद सबको स्क्रॉल करके नीचे
कर देना दोस्तों, आपको यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना, फिर जाके इसको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद तो 8 सेकंड से 17 सेकंड 15 तक जो है इस इफेक्ट को आपको यूज कर लेना होगा। तो मैं आ जाता हूँ दोस्तों 17 सेकंड 15 पे आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आके फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल से बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने आ जाना होगा फिर से सेक इफेक्ट पे। दोस्तों सेक इफेक्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको चौथे फोटो पे क्लिक करना दोस्तों, फिर आके इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ से आपको बैक कर लेना होगा। अपने सबमिट मार्क पे आपको फिर से आ जाना होगा। सबमिट मार्क पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको आ जाना है 17 सेकंड 28 पे दोस्तों। तो मैं 17 सेकंड 28 पे स्क्रॉल करके कुछ ऐसे से आ जाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे छोटा फोटो दिख रहा दोस्तों, आ जाना है आपको फोटो पे, यहाँ पे ऊपर आ जाना है ना फोटो पर क्लिक करके फिर आके पेस्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको जो छोटा फोटो है ना बड़ा फोटो दिख रहा दोस्तों इसमें आपको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद बैक आ जाना होगा। फिर से सेक इफेक्ट पे आकर दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों 5 वाले फोटो पे क्लिक करना दोस्तों, आपको फिर जाना है थिएटर पे जाकर दोस्तों उसको कॉपी फिट करके बैक कर लेना होगा दोस्तों। बैक करने के बाद अपने फिर से सबमिट मार्क पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सबमिट मार्क पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको आ जाना है 18 सेकंड 22 पे दोस्तों। तो मैं 18 सेकंड 22 पे स्क्रॉल करके कुछ ऐसे आ जाता हूँ दोस्तों। 18 सेकंड 22 आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आकर फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों दूसरा फोटो पे क्लिक करके पेस्ट कर लेना होगा दोस्तों। तो आपको 17 सेकंड 22 से दोस्तों 20 सेकंड 24 तक जो है आपको इस इफेक्ट का आपको यूज कर लेना होगा। यूज करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको फिर से बैक कर लेना होगा दोस्तों। फिर से इफेक्ट पे आकर दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों बचा हमारा लास्ट इफेक्ट, तो लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करना दोस्तों, इफेक्ट पे जाना है पे जाकर दोस्तों कॉपी इफेक्ट करके बैक कर लेना होगा। एंड अपने सबमिट मार्क पे आपको आ जाना होगा। सबमिट मार्क पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको आ जाना है 21 सेकंड 7 पे दोस्तों। तो मैं 21 सेकंड 7 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं 21 सेकंड 7 पे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ दोस्तों। आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाना है दोस्तों, एंड आपको फोटो पे क्लिक करके फिर जाकर इसको पेस्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों लास्ट तक जो इस फोटो को यूज करना होगा दोस्तों। तो मैं यूज करने के बाद दोस्तों ये सब को सारे फोटो पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आ जाना होगा दोस्तों 8 सेकंड पे। तो मैं 8 सेकंड पे यहाँ पे आ जाता हूँ दोस्तों। 8 सेकंड पे आने के बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना। आने के बाद आपको जो ग्रुप 2 दिखा दोस्तों इस पर आपको जो डिसेबल है दोस्तों यहाँ से आपको क्लिक करके इनेबल कर लेना होगा। इनेबल करने के बाद दोस्तों से आपको यहाँ पे इसको ऊपर सबसे स्क्रॉल करके कुछ ऐसे कर लेना होगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जो साइड दिखा दोस्तों ना यहाँ पे इसे आपको क्लिक करो दोस्तों सबसे ऊपर कुछ ऐसे फोटो पे कर लेना होगा। करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी कमाल का जिसमें क्वालिटी जो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो इंस्टाग्राम का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अपने गैलरी में जो सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सेटिंग के बगल में आपको जो एरो दिख रहा है क्लिक करके दोस्तों एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 5 से 6 मिनट लगेगा पैसा जो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।